हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ 26 जनवरी स्पेशल रेसिपी। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोविड के चलते आजकल सारे स्कूल बंद हैं। ऐसे में बच्चे नेशनल फेस्टिवल मनाना तो जैसे भूल ही गए हैं। तो इन फेस्टिवल की वैल्यू बताने के लिए आप बच्चों के लिए ऐसी क्रिएटिव रेसिपी बना सकते हैं। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। ट्राइकलर मिनी डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेके एक बाउल और उसमें हम डालेंगे आधा कप पोहा और सेम क्वांटिटी में हम डालेंगे यानी कि आधा कप रवा यानी सूजी। डोसा टूटे नहीं इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अरारोट पाउडर। अब हमें इन सभी चीजों को ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने से पोहा पाउडर में बदल जाएगा और सूजी बिल्कुल छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगी यानी कि एकदम फाइन पाउडर बन जाएगी। तो ग्राइंड करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। आपको इसे इसी तरह से ग्राइंड करना है, एकदम महीन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सेम इसी तरीके से आपको अपने बैटर के पाउडर को रेडी करना है। आइए चलते हैं आगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप दही। तो ये अमूल का 10 रुपीज वाला पैक है जिसका वेट होता है 85 ग्राम पर। आप 1/4 कप दही भी ले सकते हैं। अब इस बाउल में पड़े हुए सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो हम 1 ग्लास पानी का इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हम मिक्स करेंगे जिससे कि गांठे ना बने। तो थोड़ा पानी डाल के मिक्स किया था, इसके बाद हमने थोड़ा सा पानी और डाला है। तो एक बार फिर से मिला लेंगे और इसको डोसे की परफेक्ट कंसिस्टेंसी देने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। तो कुल मिला के मैंने केवल 1 ग्लास पानी ही इसमें ऐड किया है। तो बिल्कुल परफेक्ट डोसे का बैटर बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से आपको भी इसे तैयार करना है। अब हम ट्राइकलर बना रहे हैं तो हम इस बैटर को 3 भाग में बांट लेंगे। तो बेकिंग सोडा लास्ट में इसलिए ऐड करेंगे जिससे कि ये अच्छे से फूले। हर बाउल में हमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा ऐड करना है। बेकिंग सोडा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस बैटर में मैं नमक ऐड करना भूल गई थी तो मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ। आप जब बैटर बनाएं तो उसी स्टेज पे इसमें नमक ऐड करें। नमक को भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। तो ऑरेंज और ग्रीन कलर का फूड कलर लिया है मैंने और एक को हम व्हाइट छोड़ देंगे। तो थोड़ा थोड़ा फूड कलर इसमें ऐड करके बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ट्राई कलर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत ट्राई कलर का बैटर रेडी हो चुका है। अब ये इजीली बन जाए इसलिए हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे सॉस बॉटल में। 2 बैटर को हम बॉटल्स में ऐड कर लेंगे और 1 बैटर को हम ऐसे ही रहने देंगे जिससे कि मैं आपको दोनों तरीकों से मिनी डोसा बनाना सिखा सकूं। तो ऑरेंज वाला कलर ट्रांसफर कर लिया है, उसके बाद मैं ये व्हाइट वाला कलर भी ट्रांसफर कर लूंगी और ग्रीन वाले कलर को हम बाउल में रहने देंगे। मिनी डोसा की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, आइए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम नॉनस्टिक पैन ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से स्प्रेड करके पैन को ग्रीस कर लेंगे। सारे डोसे बनाने के लिए बस हम इतना सा ही तेल का इस्तेमाल करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इस तरह से हम छोटे छोटे मिनी डोसा बनाना शुरू करेंगे। आप अपनी पसंद के, अपने शेप के बड़े छोटे कैसे भी डोसे बना सकते हैं। मैंने मिनी डोसे बनाए हैं, आप चाहें तो बड़े डोसे भी बना सकते हैं। जब ये सारे मिनी डोसे पैन पे आ जाएंगे तो हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और जब ये डोसे पक जाएंगे तो ये पैन से खुद ही अलग हो जाएंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं। 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे ये डोसे बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगे और उसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। आपको ये कुक करते टाइम बस फ्लेम का ध्यान रखना है। पहले आपको लो फ्लेम रखना है और उसके बाद आप इसे मीडियम पे सेट करेंगे। अब हम करछी की मदद से ग्रीन वाले डोसे बनाएंगे। तो छोटे छोटे सर्कल आपको पैन पे बनाने हैं जैसे कि आप पैनकेक बनाते हैं बिल्कुल वैसे। तो सेम प्रोसेस से हमने ग्रीन डोसा भी बना लिया है। पहले फ्लेम को लो पे रखा था, फिर मीडियम पे और उसके बाद हमने इसे 4 से 5 मिनट तक पका लिया। तो एक साइड से ही हम इसे कुक करना है और सेम इसी प्रोसेस से हम ऑरेंज वाले डोसे भी बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आप टाइम का अंदाजा ना लगा पाए तो दूसरा तरीका ये है कि जब ये डोसे ऊपर से पूरी तरह से ड्राई हो जाएंगे तो यानी कि ये पक चुके हैं और ये अपने आप पैन को छोड़ देंगे। तो सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए ऑरेंज वाले डोसे भी बन चुके हैं। तो बहुत ही यमी से दिखने वाले ये मिनी ट्राई कलर डोसा बनकर रेडी हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसी चीजें स्कूल्स में सेलिब्रेट होती हैं, पर आजकल स्कूल बंद चल रहे हैं। तो छोटा सा 26 जनवरी का सेलिब्रेशन आप अपने घर पे जरूर करें जिससे कि आजकल के बच्चों को हमारे नेशनल फेस्टिवल के वैल्यू के बारे में पता हो। और बच्चों को खाने में तो इंटरेस्ट होता ही है, तो इससे अच्छा तरीका आपको ये फेस्टिवल बनाने के लिए नहीं मिलेगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।